अपने वरियर मकबरा जहां दफन है 2000 साल पुराना चीनी साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ दुनिया। इतिहास एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन सा है। अगर चीन की बात की जाए तो उसका इतिहास भी काफी पुराना रहा है। चीनी इतिहास में इतनी सभ्यताएं आई, इतने राजा आए कि उन सब के बारे में जान पाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इन राजाओं ने अपने समय में खुद के इतिहास में अमर बनाने के मकसद से कई कार्य किए। उन्हीं में से एक थी चीन की महान दीवार और एक है टेराकोटा वॉरियर की कब्र का। टेराकोटा सेना के गुप्तवोध चीनी शासक किन सी हुआंग की कब्र के साथ जमीन में दफन किए गए थे। ऐसा किस लिए किया गया था और क्यों? आज की वीडियो में आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं चीन के पहले सम्राट किन सी हुआंग के मकबरे के बारे में। बात लगभग 250 ईसा पूर्व की है, जब चीन के शनक्षी प्रांत में 13 साल की उम्र में एक युवा राजा येंग झेंग ने अपना मकबरा बनाने का हुक्म दिया। 38 साल की उम्र में किंग झेंग सभी युद्धरत राज्य को एकजुट करने में सफल रहे और चीन के पहले सम्राट किन सी हुआंग बने। सम्राट किन सी हुआंग ने 221 से 260 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया था। चीन की महान दीवार का निर्माण भी हुआंग ने कराया था। जैसे जैसे सम्राट की शक्ति और साम्राज्य बढ़ता गया, धन की वर्षा भी होने लगी और सम्राट अपनी मौत के बाद होने वाली संभावित निराशा को लेकर चिंतित होने लगा। इसलिए उसने आदेश जारी किया कि उसका एक आलीशान मकबरा तैयार किया जाए। ये मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और वहाँ पर उसकी पूरी सेना की मिट्टी के पुतले बनाए जाए। इससे पहले धरती पर इतना बड़ा मकबरा कभी नहीं बनाया गया था। इसके बाद राजा के आदेश की तामील हुई और इस मकबरे के लिए शियान शहर के उत्तरी पहाड़ों के पार रेगिस्तान जैसी जगह को चुना गया जहां जमीन के नीचे खुदाई कर राजा की कब्र बनाई गई और उसके साथ उनकी टेराकोटा आर्मी के योद्धाओं का और उनके घोड़ों तक के पुतले बनाए गए। इस काम के बाद कब्र को मिट्टी से ढक दिया गया और पूरे 2200 साल तक ये इंसानी नजरों से छिपी रही। साल 1974 को जब एक किसान इसी स्थान पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसकी नजर जमीन में दफन इस कब्र पर पड़ी और चीन के इतिहास का ये बेशकीमती खजाना उनके हाथ लगा। इसके बाद अगले 10 सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने स्थान को वेस के आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के पुतले मिले जिन्हें बेहद खूबसूरती और बेहद सफाई से पेंट किया गया था। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यही दफन किया गया था। हुआंग के 38 वर्ग मील में फैले इस मकबरे में सम्राट के शानदार जीवन का हर एक पहलू शामिल किया गया था। टेराकोटा सेना का निर्माण चीन के पहले सम्राट की कब्र को सुरक्षा देने के लिए गार्ड के रूप में किया गया था। ये प्रतिमाएं सन 476 से 221 ईसा पूर्व के युद्ध के समय की एकजुट चीन सेना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, फिर उन भागों को आपस में जोड़कर इन पर रंग किया गया है। इस अद्भुत मकबरे के बनने के समय को लेकर इतिहासकारों में बहस रही है। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मकबरे को बनने में लगभग 40 साल का समय लगा था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे बनने में 10 साल का समय लगा। इस मकबरे में मिले पुतलों की जांच में पाया गया कि टेराकोटा योद्धाओं के इन बुतों ने बहुत सी चीजों का सामना किया, जैसे कि बाढ़ इत्यादि। जांच में पुतलों पर मौजूद क्षति के निशान इसका प्रमाण देते हैं। पुरातत्व विशेषज्ञ के अनुसार मकबरे के निर्माण के दौरान इस गड्ढे के चारों ओर 3.5 मीटर मोटी दीवार भी थी, लेकिन बाढ़ के कारण ये केवल 1.7 मीटर ही रह गई, जिसके चलते इन बुतों पर बाढ़ का कहर बढ़ा। इतिहासकारों के मुताबिक इस मकबरे को क्षति पहुंचाने की एक और कोशिश पश्चिमी क्षेत्र के अधिपति चू शियांग यू द्वारा की गई थी। इसका प्रमाण खुदाई के दौरान मिले योद्धाओं के हथियार बयां करते हैं। माना जाता है कि इस कोशिश के पीछे का मकसद मकबरे में मौजूद
तंबे की तलवारें और अन्य हथियार हथियाने की लालसा रही होगी। खुदाई में जांच कर रहे लोगों ने जली हुई मिट्टी के कुछ अवशेष भी पाए, साथ ही बहुत सी जली हुई लकड़ियां भी। इससे पता लगा कि टेराकोटा आर्मी के इन बूतों को खत्म करने के लिए इन्हें जलाने का प्रयास भी किया गया था। इस कार्य को कौन कर सकता है, इसकी जानकारी प्राचीन चीनी ऐतिहासिक हस्तलेखों में मिलती है, जिनके मुताबिक किंग सिया हुआंग ने चू राज्य को तबाह कर दिया था और सियांग यू के परिवार को भी मरवा दिया गया था। ये एक बड़ा कारण है कि सियांग यू किंग सिया हुआंग के मकबरे को तबाह करने की ऐसी कई कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद इस मकबरे को राज्य की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया और साल 2005 में चीन की सरकार ने इसे अपने अधीन करते हुए इसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी अपने सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दी। इससे पहले इस प्राचीन पुरातात्विक स्थल को 1987 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित कर दिया था। इस मकबरे की सही देखरेख के लिए चीन में किंग सी हुआंग नाम से एक विभाग बना दिया गया है। साल 2009 में इस मकबरे को एक म्यूजियम बना दिया गया, जहां पर टेराकोटा आर्मी के अवशेष और साबुत पुतलों को लोगों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। बहरहाल चीनी इतिहास को दर्शाता ये मकबरा आज दुनिया भर के लोगों के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल हजारों पर्यटक इस मकबरे को निहारने वे इसके निर्माण से जुड़ी कहानी को जानने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इस अद्भुत जगह को देखना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इतिहास के खोज के साथ।